क्या आपका चार्जर ख़राब हो गया है? क्या आप चार्जर लेने की सोच रहे हैं? अगर आप चार्जर लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा आपको कौन सा परफेक्ट चार्जर लेना चाहिए। तो मेरे पास तीन चार्जर हैं, एक सैमसंग कंपनी का है, दूसरा निरमैक्स कंपनी का है और एक लैबकेयर का है। तो मैं आपको तीनों में डिफरेंट दिखाऊंगा क्या डिफरेंट है और इनमें फास्ट चार्जिंग कौन सा है, चार्जर कौन सा है, सुपर फास्ट चार्जर कौन सा है और फिर जो नॉर्मल चार्जर है वो कौन सा है। तो वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं इस चार्जर को लेता हूँ, ये आपको कंपनी आप देख रहे होंगे, ये है डिलमैक्स कंपनी का। तो ये चार्जर है, ये नॉर्मल चार्जर है, ये फास्ट चार्जर है और ये सुपर फास्ट चार्जर है। अब इसकी पहचान क्या है? तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे और ये देखेंगे इस साइड में, ऐसे घुमा लीजिए और बड़ी बारीकी से देखिए आप इसमें। इसमें देखो लिखा है फास्ट चार्जर, जबकि ये फास्ट चार्जर नहीं है। तो इस पर लिखा है डीसी 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर और इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये एक नॉर्मल चार्जर है, जबकि तुम्हें दिखेगा फास्ट चार्जर है 2 एम्पियर से। हाँ, अगर आप 5 वोल्ट से कोई बैटरी चार्ज करते हैं, कोई मोबाइल चार्ज करते हैं, तो ये 2 एम्पियर से चार्ज करेगा, जबकि ये कोई फास्ट चार्जर नहीं है, जबकि ऊपर लिख दिया ये फास्ट चार्जर। फिर मैं दूसरा आपको सैमसंग कंपनी का दिखाऊंगा, पास से दिखाता हूँ कैमरे में, ये है, ये सैमसंग का, ये फास्ट चार्जर है। अब इसके इसको पता कैसे करेंगे? इसका मॉडल नंबर भी है, आउटपुट ये 10 वोल्ट से 240 वोल्ट पे चलेगा, ये 50/7 की फ्रिक्वेंसी है और ये 0.5 एम्पियर एक करंट कंज्यूम करता है। अब हम मेन बात पे जाएंगे, इसको देखेंगे कि ये फास्ट चार्जर है या स्लो। तो आपने देखा आउटपुट, आउटपुट 9.0 वोल्ट, ये क्या है? डीसी, ये तो ये 9.0 वोल्ट डीसी। फिर आपने देखा डीसी का सिंबल है, फिर आगे है 1.67 एम्पियर, फिर और देखो, फिर है 5.0 वोल्ट, फिर आगे आया डीसी का सिंबल है, फिर है 2.8 एम्पियर। तो अब देखो मैं बताता हूँ, ये चार्जर के अंदर 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, ये 9 वोल्ट और 5 वोल्ट। अगर आप कोई नॉर्मल चार्ज मोबाइल आप इससे लगा रहे हैं तो आप देखेंगे ये 5 वोल्ट से चार्ज करेगा, 2 एम्पियर से चार्ज करेगा ये 5 वोल्ट को। अगर आप फास्ट कोई मोबाइल लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, 9 वोल्ट, यानी कि 9 वोल्ट निकालेगा और बैटरी को या मोबाइल को 9 वोल्ट से चार्ज करेगा। तो ये फास्ट चार्जर और नॉर्मल चार्जर ये दोनों है। तो इसमें आप डिफरेंस समझ गए होंगे, 9.0 1 वोल्ट ये निकालेगा आउटपुट में और दूसरा ये, तो ये 2 वोल्ट निकाल रहा है। तो ये कौन सा हो गया, नॉर्मल और फास्ट चार्जर, ये दोनों की कैटेगरी में आते हैं, आता है, ये सैमसंग कंपनी का है। फिर इसके बाद में मैं एक और दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा लैब के कंपनी का, ये ज़्यादातर ये कंपनी जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके पार्ट्स बनाती है। तो इस चार्जर को देखेंगे, ये मेरे पास में आ गया सुपर फास्ट चार्जर और फास्ट चार्जर। अब इसको अब देखो आउटपुट में इसका क्या, आउटपुट में ये कह रहा है 5 वोल्ट से चार्ज करोगे तो ये 3 एम्पियर करंट से चार्ज करेगा कोई भी मोबाइल है। फिर अगर 9 वोल्ट पर देते हैं तो 2.2 एम्पियर ये एम्पियर से बैटरी चार्ज करेगा और ये देखते हैं 12 वोल्ट, अगर कोई चीज़ को हम 12 वोल्ट से चार्ज करते हैं तो ये 1.6 एम्पियर और 20 वॉट का है। तो ये कितना वोल्ट निकालता है, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो कोई ये नॉर्मल चार्जर भी है, अगर छोटा मोबाइल कोई भी चार्ज करते हैं तो ये 5 वोल्ट से चार्ज करेगा और बहुत ही जल्दी उसको चार्ज करेगा, ये 3 वोल्ट पे काम करता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप अच्छा कंपनी का कोई चार्जर खरीद रहे हैं, अगर आपको लेना है कि कोई बड़ा भी मोबाइल है, घर में 2-3 मोबाइल हैं, एक छोटा भी है, कोई फास्ट चार्जिंग का, सुपर फास्ट चार्जिंग का है, तो आप ये वोल्टेज देख के ले लें, अच्छा कंपनी का, ये 5 वोल्ट भी होंगे और 9 वोल्ट और दूसरा 12 वोल्ट, ये सभी मोबाइलों में अच्छे से सपोर्ट करता है।